नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसराइल ईंट का जवाब पत्थर से देता है, और आप सभी को यह भी पता है कि मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो इसराइल का मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं इसराइल के द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर किस तरह बॉम्बार्डिंग की गई है, और ये गाजा हमास जो ये आतंकी ठिकाने हैं तो उसको किस तरह तबाह किया गया। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में यमन के हूतियों के द्वारा भी इसराइल पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें इसराइल के 3 नागरिकों की मौत हो गई है और जिसमें 90 से ज़्यादा घायल बताया जा रहा है, और अलग अलग मीडिया के द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये तो कन्फर्म है कि हूतियों के द्वारा इसराइल पर एयर स्ट्राइक की गई है। बकायदा एयर स्ट्राइक से पहले यमन के हूतियों के द्वारा तेल अवीव को अनसेफ जोन भी डिक्लेयर किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी का ही बदला लेने के लिए इसराइल के द्वारा वापस रिटेलिस में एयर स्ट्राइक की गई है यमन के हूतियों पर, जहां पे दोस्तों बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 400 से 500 ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि दोस्तों, अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ कितने लोग इसमें मरे हैं, कितने लोग घायल हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक की गई वो बहुत ही खतरनाक तरीके से की गई है, जिसमें कई हज़ारों लोग भी मर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गाज़ा में हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तो किस तरह से उसने गाज़ा को एक खंडर बना दिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो गाज़ा है वो पूरा बसा बसाया शहर था, जहाँ का 80 से 90% पूरा शहर खंडर बना दिया गया, और यहाँ के लोग टेंट हाउस में रहने को मजबूर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के एक नागरिक की भी मौत होती है तो वो बदला किस तरह से लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसराइल के एयरफोर्स के द्वारा किस तरह से वापस हूतियों पर हमला किया गया। तो दोस्तों, ये यमन की ये कि हूतियों के द्वारा एक फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पर जो ऑयल पेट्रोल गैस स्टोरेज करते हैं। तो दोस्तों, इसराइल के द्वारा इस फैसिलिटी को निशाना बनाया, क्योंकि ये दोस्तों ये समुद्र के किनारे पर ये पोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे ये फैसिलिटी बनाई गई। इस फैसिलिटी पर दोस्तों इसराइल के एयरफोर्स के द्वारा अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, जहाँ पर इसको पूरा खंडर बनाया गया। तो दोस्तों, आप तस्वीरें में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे किस प्रकार से कितना खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस तस्वीर में देखेंगे इसराइल के एयर स्ट्राइक के द्वारा पूरे को पूरे इस शहर जैसे आकृति को पूरे खंडर बना दिया गया। तो दोस्तों, आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार ये आग के लपटे उठ रही है, और यहाँ पर जो ये फैसिलिटी बनाई गई पूरी तरह बर्बाद हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों, जो आसपास का एरिया वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग इस हमले में मारे गए। क्योंकि दोस्तों, ये हूतियों के द्वारा बार बार इसराइल पर हमले तो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो हाल ही में इसराइल के तेल अवीव में जो ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिसमें इसराइल के कुछ नागरिकों की मौत होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसराइल अपने नागरिकों के प्रति कितना वफादार है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसराइल की अगर एक नागरिक की मौत होती है तो वो बदला किस तरह से लेता है, वो एक एक नागरिकों का हिसाब रखता है। तो दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई और इस युद्ध से संबंधित जानकारी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।